सीधा करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर की तरफ। बीजेपी संसदीय दल की बैठक शुरू हो चुकी है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस बैठक में शामिल हैं और साथ ही इस बैठक को कुछ देर में संबोधित भी पीएम मोदी कर सकते हैं। पहली बार संसद भवन परिसर के बाहर ये बैठक हो रही है, अंबेडकर सेंटर में इस वक्त ये बैठक शुरू हो चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित करते हुए भी इस बैठक को नजर आएंगे। तो इस वक्त की बड़ी खबर आप तक हम पहुंचा रहे हैं, विक्रांत ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ। विक्रांत, क्या कुछ जानकारी इस बैठक को लेकर, क्या कुछ आज पूरा प्रोसेस नजर आएगा? देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर एक बड़ी बात तो यह है कि पहली बार संसद भवन परिसर से बाहर बीजेपी संसदीय दल की बैठक हो रही है और इस सेशन की, इस सत्र की जो संसद का शीतकालीन सत्र है, पहली ये बैठक है क्योंकि पिछले हफ्ते बैठक नहीं हुई थी। तो अंबेडकर सेंटर में, जनपद पर अंबेडकर सेंटर में मीटिंग हो रही है और प्रधानमंत्री भी इस बैठक के लिए पहुंच गए हैं। प्रधानमंत्री भी सांसदों को संबोधित करेंगे। तो एक तो आजादी का जो 75वां अमृत महोत्सव चल रहा है उसके बारे में सांसदों से बात करेंगे, जो कार्यक्रम बीजेपी देश भर में चला रही है, सांसदों को जो कार्यक्रम का टास्क दिया गया था उसके बारे में चर्चा होगी। इसके अलावा सत्र के दौरान किस तरीके से अपनी बातों को रखा जाए, सरकार की बातों को रखा जाए, और इस सत्र के ठीक बाद चुनावी माहौल में सांसदों को जाना होगा। सांसदों की एक बड़ी भूमिका रहती है चुनाव के दौरान, तो चुनावी राज्यों में किस तरीके की भूमिका सांसदों की रहेगी, इन सब पर चर्चा हो सकती है। और संसद के जो वर्तमान मुद्दे हैं, विपक्ष का जो रुख है उसको लेकर के संसदीय कार्य मंत्री और प्रधानमंत्री अपनी बातें सांसदों के बीच बोल सकते हैं। महत्वपूर्ण बैठक है क्योंकि इस सत्र की ये पहली बैठक है। 9:15 बजे के करीब ये बैठक शुरू हुई थी प्रधानमंत्री के आने के बाद, और ये उम्मीद की जा रही है कि करीब 1 घंटा ये बैठक चलेगी।